हरे राम हरे राम 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 हरे सर्वसम मेरे कुछ पाप करना जितलीला कृष्ण कृष्ण पाल चतुर्दशी श्री श्री माधुभक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद ब्रह्म लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्री मद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाशी से प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये दसम स्कंध को प्रारंभ करने जा रहे थे उन्होंने एक श्लोक ऐसे एक श्लोक बोले जो एक श्लोक में उन्होंने पूरा के पूरा पूरा के पूरा उन्होंने जैसे अगस्त ऋषि ने संपूर्ण समुद्र को चूल भर में पान कर लिया था उन्होंने पूरा के पूरा ऐसे उन्होंने पान कर लिया है। इसका कारण हम लोगों ने श्रवण किया था इसलिए जब उन्होंने पूरा का पूरा एक श्लोक में कृष्णा कैसे मथुरा में प्रकट हुए प्रकट होकर के कैसे गोकुल में गए और गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया जोर से बोलो लाल की लाल की और वहां पर बड़े धूमधाम से जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रख काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी रख काला Thank you.
उसी समय में उत्तराने सीधा भागते भागते आए, एकदम कृष्ण के चरण में गिर पड़ी। बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का धरोहर रूप में जो संतान है, अगर ये मर गया ना फिर तो पांडव का वंश समाप्त हो जाएगी। फिर इनको कोई पिंड में दिया देने के लिए पिंड देने के लिए कोई रहेगा? इसलिए मेरे बेटे को आप रखा कर कृष्ण अंदर में प्रवेश किए, और प्रवेश करते हुए अपना गदा को घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र को जो तेज उन्होंने निस्तेज किया और उन्होंने उनको प्राण दान दिया, उनको दिव्य दृष्टि से प्राण दान दिया। इसलिए जन्म होते ही उन्होंने जो गर्भ में जो श्याम सुंदर इतने सुंदर रूप को मैंने जो दर्शन किया, कृष्ण कहाँ है? वो जन्म होते ही आप आड़ से देख रहे थे, बोले कृष्ण कहाँ है, वो प्रभु कहाँ है? इसलिए सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षी। और दूसरा नाम विष्णु राव रई दाने, रई दाने मतलब कृष्ण जिनको प्राण दान दिए, इसलिए उनका नाम भी है विष्णु राव भी एक नाम और परीक्षा नाम पड़ा। इसलिए ये कह रहे हैं मातृ गर्भ में जिसने मेरे को जन्म रक्षा दिया है, हैं जिनकी गोद में मैंने हैं खेल कूद किया, जिनके नाम में लाल लगाया, और वो हमारी गोद में कृष्ण हमारी कुल देवता है, हैं कृष्ण हमारी कुल देवता। केवल मैं तो कृष्ण कथा सुनने के लिए मैं बैठा हुआ, लेकिन आप तो चार दिन तक बहुत बहुत कुछ बात सुना दिया चार दिन तक, लेकिन केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा हुआ, इसलिए मेरे को आप केवल कृष्ण कथा सुना। जब ये चीज को सुने ना तब परीक्षा कुमार जी संतुष्ट हो गए, क्यों वो परीक्षा कर रहे थे क्या सचमुच से ये कृष्ण कथा सुनना चाहता है, है? क्योंकि या तो श्रोता को देख करके ना वक्ता को आग्रह होता है, अगर श्रोता अगर सो जाता है श्रोता फिर वक्ता फिर वक्त रहेगा, श्रोता अगर सो जाएगा श्रोता है और वक्ता फिर वक्ता रहेगा। इसलिए उन्होंने श्रोता को देख करके अंदर में ये उत्साह आती है, फिर उन्होंने उसको बाद उन्होंने कृष्ण कृष्ण केवल कृष्ण कृष्ण कथा सुनाई। इसलिए जब कृष्ण कथा को सुना रहे हैं दशम स्कंध का जो पहला श्लोक है, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता स्वर्म सुजयो राज्यम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। भागवत में द्वादश स्कंध है और द्वादश स्कंध का 10 लक्षण बताए, अत्र सर्ग विसर्ग स्थान वसन मुतय, उसके बाद में मनंतरी ईशान कथा निरध मुक्ति आश्रय है, ये पूरा 12 खंड का अलग 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 उन्होंने लक्षण बताया। लेकिन जो ये आश्रय है ना ये लास्ट में आता है और मुक्ति उसके बाद में आश्रय है, लेकिन उन्होंने दशम स्कंध को ये जो आश्रय है उन्होंने दशम स्कंध को उन्होंने आश्रय बता दिया। इसका मतलब क्या है? कहते भागवत में ये 12 खंड है, लेकिन भागवत में जो 12 खंड है वो 12 खंड नहीं, ये भगवान के द्वादश अंग। इसलिए कहते प्रथम द्वितीय स्कंध द्वितीय कृष्ण के दो चरण है, तृतीय चतुर्थ स्कंध ये भगवान के दो गुरु है, और पंचम स्कंध नाभि, षष्ठ सप्तम स्कंध दो भुजाएं, अष्टम स्कंध वक्षस्थ, नवम स्कंध कंठ, दशम स्कंध मुखारविंद, एकादश स्कंध ललाट, और द्वादश स्कंध स्तर। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं हम कैसे पहचानते हैं कि व्यक्ति अमुक व्यक्ति, क्या देख करके? अगर किसका पूरा मुंह ढक दो ना, पूरा मुंह ढक करके बताओ ये कौन सा है, बोलना बड़ा कठिन हो जाए, बोल नहीं सकते, लेकिन पूरा शरीर को ढक दो लेकिन उसका केवल मुंह को दिखा दो ये कौन है, समझ जाएंगे क्या नाम था? वृंदावन दास। हाँ समझ जाएंगे वृंदावन दास ठाकुर। इसलिए केवल हम मुखमंडल को देख करके पूरा बात बता देंगे। इसलिए इसका तात्पर्य है ये भागवत का सार किया है, हैं भागवत का सार किया है कि ये दशम स्कंध भगवान के मुखारविंद, और उसमें जो हंसी एक व्यक्ति दुखी ना
सुखी हम कैसे पता चलेगा? अगर मुस्कुरा रहा है समझ जाए कि व्यक्ति सुखी है, अगर मुंह लटका हुआ तो देख कर पता चल जाएगा कि व्यक्ति दुखी है। उसमें जो रास पंचर थाए हैं, कभी ये क्या है, कभी भगवान की हंसी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो ये दशम स्कंध को उन्होंने जो लक्षण बताया कि आश्रय, इसको आश्रय मतलब भक्त किसको आश्रय करते हैं? भगवान के चरण को ही आश्रय लेता है, भगवान को ही आश्रय लेता है। इसलिए जो दशम स्कंध में बताया, जो पूरी भागवत में इसमें क्रीम इसमें क्या है, सार क्या है, ये दशम स्कंध ये कृष्ण की कथा है, इसमें सार है। और जो हसी है, ये जो भागवत में जो रास पंचर है उसमें सार है, और राशेश्वरी कौन है उसमें? ब्रज श्रीमती राधा रानी। ब्रज श्रीमती राधा रानी की जय। ब्रज श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये दशम स्कंध को उन्होंने आश्रय बताया है। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं ये दशम स्कंध विशेष करके इसमें बताए, यद्यपि कृष्ण की लीला वर्णना हुई है लेकिन इसमें तीन कृष्ण आए, एक पूर्ण, एक पूर्णता और एक पूर्णता। एक ही कृष्ण है लेकिन जब वो द्वारका में रहते हैं ये पूर्ण, जब वही मथुरा में रहते हैं ये पूर्णतर, जब वही वृंदावन में रहते हैं ये पूर्णतम कृष्ण है। पूर्णतम कृष्ण वहां पर भी तीन कृष्ण है, एक सखाम का कृष्णा, एक मैया यशोदा का कृष्णा, एक गोपी और राधा रानी का एक कृष्ण है, हैं? वहां पर भी तीन कृष्ण है। लेकिन हमारे श्री उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने 96 तरह का कृष्ण बताया, 96 तरह का नायिका, नायक का नाम उन्होंने अधीर उद्धव उद्धव ऐसे उन्होंने 96 तरह का कृष्ण का नायक का बात उन्होंने बताया। इसलिए यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जे कथितो वंश विस्तार भवता सोम सुजयो। यदि ये भागवत ग्रंथ में विशेष करके दो वंशावली है वहां पर आया, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश, दो वंश की बात उसमें आई। उसमें बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग उसमें आए, लेकिन आने पर भी लेकिन किसका कथा सबसे मधुर, सबसे प्यारी किसका कथा है? बोले उसमें श्री भगवान और राम और ये कृष्ण है, इनकी कथा जितने मधुर जितने मीठा है और किसकी कथा उतना नहीं। जैसे मत्स्य देव आए चार वेद उधर के चले, कुर्मा आए समुद्र मंथन हो गया, फिर उसका जो कुछ है, बराह देव आए पृथ्वी को उन्हें उद्धार किया फिर चले गए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए वास उन्होंने हिरण्यकशिप का छाती को फाड़े और उनका आरती किया भाग्य से है। इसलिए कहते भगवान आए इस वामन देव आए और उनने तीन पग जमीन मांगे और लेकर फिर चले गए। इसलिए इसमें जितने भगवत अवतार आए हैं विशेष किसी कारणों को लेकर के आए फिर वो चले गए, लेकिन जो मधुर लीला जो किया है किसने किया? ये राम और ये कृष्ण है, इनकी कथा जितने मधुर जितने मीठा है और उसका कथा इतना मधुर नहीं। लेकिन इस दोनों में भी सबसे मधुर कथा किसकी है? कृष्ण कन्हैया का, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसने कल हमने सुन लेते ना भगवान की नाम रूप गुण लीला, इसलिए कृष्ण जितने मधुर लीला किया है, जितने भक्तों का प्रेम में कृष्ण जितने वशीभूत हो गए और किसी की प्रेम में भगवान इतने वशीभूत नहीं हुए, सबसे ज्यादा किसकी प्रेम में वशीभूत हो गए? सखाओं की प्रेम में, मैया यशोदा की प्रेम में, फिर ब्रज गोपियों की प्रेम में और सर्वपरि में श्रीमती राधा रानी की प्रेम में जितने वशीभूत होंगे उतना वशीभूत किसी लीला में भी वशीभूत नहीं हुए हैं। इसलिए गुरुदेव एक बार बोल रहे थे ये हनुमान जी को ना ब्रज में प्रवेश नहीं है, राम का सबसे बड़े बड़े भक्त कौन है? धीरे कहते दुनिया चले ना सी राम के बिना, राम चले ना हनुमान की, सबसे बड़े भक्त हनुमान को माना जाते हैं। गुरुदेव कहते भैया हनुमान की ब्रज में नहीं आएंगे, बोले क्यों?
अगर हनुमान जी ब्रज में आ गए ना, अगर देखेंगे हमारे प्रभु रामचंद्र कौन है, उनका ऐश्वर्यमय भक्ति, दास्य भक्ति, वो तो हमारे कारण का कारण है, जिनकी इशारा पर ये विश्व ब्रह्मांड, जिनकी इशारा पर सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जिनके इशारा पर जब उन्होंने देखेंगे ऐसे भगवान को मैया जसोदा कान पकड़ करके उठा रही बैठा रही, उनको उठल में बांध दी, हनुमान गदा लेके बांध दी, बोले क्या क्या मेरे प्रभु को, मेरे प्रभु को क्या कर रहे हैं, मेरे प्रभु को यहाँ पर बांध कर रखे, अब कान पकड़ करके उठा रही बैठा रही है, हैं उठा रही है बैठा रही है। इसलिए अब जब देखेंगे कृष्णा स्वर्ग अयोध्या में क्या होता है, भगवान का प्रसाद को सबके सब सेवन करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कृष्ण तो उल्टा सबका जूठा खा रहे हैं, वहां पर तक भगवान की जूठा सब खाते हैं, यहाँ पर तो कृष्ण सबका जूठा खा रहे, सबके वहां पर अयोध्या में सबके सब प्रभु का चरण में गिरते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे यहाँ पर तो कृष्ण सबको चरण में गिरते हैं, सखा को भी, मैया के भी, गोपियों के भी, राधा रानी को सब कृष्ण गुरुदेव कहते थे, अगर हनुमान की ब्रज में आए ना अरे गदा उठा लेंगे, इसलिए कहते इसलिए ब्रज में हनुमान का प्रवेश नहीं। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चतुर्थ कहते हैं यद्यपि तीन कृष्ण है, कृष्ण एक ही है, लेकिन यहाँ पर तीन कृष्ण कैसे सुंदर सुंदर कैसे लीला की है, इसलिए कहते हैं जैसे उनकी कृष्ण लीला में जितने मधुरता प्राप्त हुई है और इसी लीला में इतने मधुरता कृष्ण की किसी भगवान की किसी लीला में नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते बोले जदस्य धर्म शिलस्य नितरा मुनि सत्तम सत्तां सेना अवतीर्णस्य विद्वो विज्ञानी संसन न करेंगे बोले जदस्य धर्म शिलस्य, यहाँ पर कहेंगे जदु जदु कौन है, ये धर्मशील है, नितराम मुनि सतम केवल धर्मशील नहीं ये श्रेष्ठ मुनि कौन है बोले जदु, लेकिन साधारण दृष्टि में देखोगे ना सारा दुनिया जदु को निंदा करेगा, सारा दुनिया जदु को निंदा करेगा, क्यों कहते श्री जो जदु है जो जजाति महाराज के कहते उनको दो पत्नी हुई, कौन कौन है कौन बोले सर्वनिष्ठा और देवजानी, इनका ये दो पत्नी हुई हैं, दो पत्नी उनका जो सबसे जो बड़ा बेटा है ये कौन है कहते ये जदु, और जो सबसे छोटा बेटा ये पूर्व हैं, इनका तो बड़ी लंबी कथा है हैं, जजाति महाराज कैसे ये जजाति महाराज एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे तो राजा राजा की एक बेटी थी जिसका नाम थी सर्वनिष्ठा और उनका जो गुरु शुक्राचार्य की बेटी का नाम थी देवजानी, एक दिन उन लोगों ने जैसे कभी होता है ना आज हम सब एक एक तरह का साड़ी पहन कर जाएंगे, कभी कोई त्योहार होता है ना आज सबके सब हम एक तरह का साड़ी पहनेंगे, तो सबके सब एक तरह का साड़ी पहन कर गए और नदी के किनारे में रखे उतर करके सरोवर में स्नान किया, स्नान किया तो इतने में क्या हुआ जो शुक्राचार्य का बेटी जो देवजानी है शर्मिष्ठा देवजानी वो पहले आ गई, सबके सब एक रंग का साड़ी पहन कर गए थे, उनको पता ही नहीं चला उनने शर्मिष्ठा की राजा की जो बेटी की साड़ी पहनी, जब राजा की बेटी निकल कर आई बोले मेरी साड़ी का मेरी साड़ी का है, देखा वो साड़ी को ये देवजानी ने जो पूरा ही शुक्राचार्य का बेटी ने ये साड़ी पहनी है, राजा कन्या राज कन्या और तो ये तो उनकी पुरोहित है, उसने बोले तेरे इतनी हिम्मत कैसे हो गई, राजकुमारी की साड़ी पहनने के लिए कितना कितनी हिम्मत हो गई, उनने गाली गलौज करने लगे, उसको भी ताव आ गया, बोले जानते हो तेरे पिता जो राजो तो कर रहे मेरे पिताजी की कृपा से, मेरे पिताजी के आशीर्वाद से तेरे पिता राजो तो कर रहे, तेरे भी बात पता है ऐसे ऐसे एक से दो दो से करते करते लड़ाई हो गया, इतने में जो शर्मिष्ठा थी राजा की बेटी उसको तो बहुत सारी सहेली और देवजानी अकेली थी, बोले ऐसे बात तुम ऐसे हिम्मत है, इतने में उसको पूरा कपड़ा उतार दी, कपड़े उतार करके ना उसको धक्का मार कर कुएं में डाल दिया, जब कुएं में डालकर भागे इतने में वो रो रही थी, इतने में जजाति महाराज गए हुए थे जंगल में शिकार खेलने के लिए, हठात एक किशोरी जी के गले की
आवाज सुनने को मिला और ढूंढते ढूंढते गए, देखा कि वो पूरा नंगी होकर के कुएं में, तब उन्होंने हाथ पकड़ कर उन्होंने उसको कुएं से उन्होंने निकाले। जब निकाले इतने में देवजानी कहती है, बोले देखो जीवन में आप मेरे हाथ को पकड़े, हाथ को पकड़े, ये हाथ को छोड़ना नहीं, ये हाथ को नहीं छोड़ना, क्योंकि अपने जीवन में एक बार हाथ पकड़े ना, देखो पहले अभी जो हम ध्यान सब करते हैं, लड़का लड़की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले था, अगर जिस पुरुष ने एक बार स्त्री को शरीर में हाथ लगा दिया, स्त्रियां इसलिए कभी भी परम पुरुष का स्पर्श को ग्रहण नहीं करते थे, जब एक बार ग्रहण किया वो क्यों हो जाती है। अभी इतने ही डाइवोर्स हो गया, एक को छोड़कर दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये तो था नहीं ना, है ये तो था नहीं, जीवन में एक बार ही शादी का समय में हाथ दे कर उसको अर्पण करते हैं। इसलिए जब आप मेरे हाथ पकड़े हो, जीवन में कभी हाथ को नहीं छोड़ना। बोले ऐसे कैसे हो सकता, तो बोले तू कौन हो, बोले मैं शुक्राचार्य का बेटी हूँ, बोले तू तो ब्राह्मण कन्या और मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कैसे ब्राह्मण कन्या को शादी करेगा। फिर उसने फिर बहुत सारी कथा सुना है, बहुत लंबी कथा है, बोले मेरे को अभिशाप है, मेरे को अभिशाप दिया है, कस ने अभिशाप दिया है, तेरी शादी कभी ब्राह्मण से नहीं होगा, तुम्हारी शादी दूसरे जाति से होगा। उन्होंने सारे उसका बहुत पीछे लंबी कथा है, इसलिए आप मेरे को ग्रहण कर सकते हो। फिर उन्होंने ग्रहण किया, जब ग्रहण किया उन्होंने आकर के सारी बात बताया पिताजी को, ऐसे ऐसे मेरे को कुएं में धक्का मार कर गिरा दी। उसको पिता को नाराज हो गए, बोले हम तो राज्य छोड़ कर जा रहे हैं। अभी जो राजा था, देखा अगर गुरु जी चले गए फिर तो बड़े गड़बड़ी होगा, है इनकी कृपा से तो मैं राज्य तो कर रहा हूँ। बोले नहीं, आप ऐसे मत किया करो, आप छोड़ कर मत जाया करो, अब जो कुछ मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले मेरे बेटी को पूछ लो। बेटी ने कहा मैं जब शादी करके जगाती महाराज के साथ में जाऊंगी, आपका जो बेटी मेरी दासी बनकर भी रहे। अभी उनको बेटी को दासी बनकर ही जाना ही पड़ता। जब शर्मिष्ठा गई इतने में, लेकिन ये राजकुमार देखने में बड़ी सुंदरी बड़ी प्यारी, इतने में ये राजकुमारी ने और देवजानी से हुई दो बेटे, और ये शर्मिष्ठा उसने राजा को एक दिन आकर के बोले, बोले महाराज आप सब जानते हो मैं राज कन्या हूँ, लेकिन बीच में फंस कर उसकी दासी बनना पड़ा, इसलिए मेरे को भी आप संतान प्रदान करो। इसलिए उन्होंने छुप छुप करके जजाति महाराज मिलते थे किससे, शर्मिष्ठा से, उनके हो गए 3 बेटे और इनकी 2 बेटे। अभी राजा और राजकुमारी, अब देखना जिससे जिसकी औरत से संतान होगा, संतान भी कैसे होता है। एक दिन ये तीनों बच्चे खेल रहे थे और इतने सुंदर 3 बच्चे थे। देवजानी ने देखा, बोले इतने सुंदर बच्चे, किसके इतने सुंदर बच्चे हो सकते हैं, साधारण व्यक्तियां तो बच्चे इतने सुंदर हो ही नहीं सकता, ये जरूर कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने गुप्तचर एक दासी को बोले, तो कुछ करके आओ, तो ये तीनों बच्चे किसके, फिर पता चला जो तीनों बच्चे ये शर्मिष्ठा के, ये तीनों बच्चे हैं। फिर तो समझ गई ये राजा छुप छुप कर उससे मिलता। उसने जा करके अपना पिताजी को बोले, पिताजी ये मेरे से शादी करके मेरे को 2 बच्चे दिए और ये छुप छुप करके ये शर्मिष्ठा से मिलते हैं और तो 3 बच्चे दे दिए। तो 3 बच्चे दिए। इतने में शुक्राचार्य को तो बड़ा क्रोध आया, उसने अभिशाप दे दिया, बोले जाओ मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तेरे पुरुषत्व नष्ट हो जाए, एकदम बुढ़ा बन जा। उन्होंने अभिशाप दिया तो एकदम जवानी गई, पूरा चरट है तो बुढ़ा बन गई, सारी जवानी खत्म। जब खत्म हो गया इतने में उसने जा करके अपना ससुर को प्यार में गिड़गिड़ाने लगे, बोले पिताजी आपका अभिशाप दे दिया है, लेकिन इस शरीर तो बुढ़ा हो गया लेकिन ये मन तो बुढ़ा नहीं हुआ, और आपका जो बेटी अभी जवानी है उसको भी है, उसको भी संसार का कामना वासना नहीं गई, इसलिए मेरे को भी दुख उठाना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी को भी, दोनों को दुख उठाना पड़ेगा। पिताजी कुछ उतारो। जब खूब गिर आए बोले ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम किसकी जवानी लेकर के अपना बुढ़ापा किसको दे सकते हो, विनिमय कर सकते हो। तब उसका सबसे बड़ा बेटा था जदो,
उसने जदू के पास में जाकर के बोला ऐसे ऐसे, लेकिन क्या कहते जदू सर धर्म सिलस, लेकिन जो जदू है ना ये साधारण नहीं था, ये सारे तत्वों को जानने वाले था, हाँ सारे तत्वों को जानने वाला था। उसने कहा पिताजी कि जो जीवन मिला है ये संसार भोग करने के लिए जीवन नहीं मिला, ये जीवन तो केवल अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला, जिसको भगवान राम कहते हैं साधन धा मो मोक्ष हरि द्वारा, साधन धा मो मोक्ष हरि द्वारा, पाई न जई पर लोक सवार, साधन धा मो मोक्ष हरि द्वारा। ये जो जीवन भगवान ने दिया है ये 84 लाख के जीवन के बाद में ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मुक्त करे द्वारा केवल इसी जीवन में ही साधन कर सकते हैं, और किसी जीवन में भगवान की साधन कोई नहीं कर सकते, ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े थे। लेकिन पाई में जय पर लोक समारा, जिनको ये जीवन तो मिला लेकिन ये जीवन पाकर किसने पर लोग को नहीं सुधारा, फिर तो कहते फिर तो अगली जीवन में फिर तो सार पिटते रह जाओगे, लेकिन ये मानव शरीर तेरे को दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप बोलते मैं भजन करूंगा तुम्हारी जवान तो मैं खुश होकर देखूंगा, लेकिन आप विषय को भोग, विषय भोग करने के लिए मांग रहे हो नहीं दे सकता, फिर इसको साथ में विषय भोग कर बोले मेरी माँ को साथ, मेरी माँ को साथ में विषय भोग करेगी, इसकी बेटा का जवानी लेकर के तो माँ को साथ में विषय भोग करोगे, ये भी धर्म अनित है, ये भी धर्म विरुद्ध है, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। तो मेरा बड़ा बेटा हो करके तो जवानी नहीं दोगे, बोले नहीं, बोले मैं भी अभिशाप देता हूँ, मेरे बाद में तू बड़ा बेटा है, राज्य तुझे मिलनी चाहिए लेकिन राज्य तुझे नहीं मिलेगा। तब तो नहीं, दूसरे को कोई देने के लिए तैयार नहीं हुए, सबसे जो छोटा बेटा पूर्व था ना उसने देने के लिए तैयारी हुई, ठीक है पिताजी ये शरीर तो आपसे मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए ये शरीर का जवान मैं आपको दे रहा हूँ, उसने दिया, ठीक है मेरे बाद में तू ही ये राज्य सिंहासन तो तेरे को प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधारण लोग जदू को क्या बोलेंगे, बोले पिता क्या स्वर्ग पिता धर्म पिता ही सब कुछ है, पिता ने जन्म दिया और तुमने पिताजी को जवान नहीं दिया, साधारण लोग क्या बनेंगे, ये पापी है, ये पिताजी का आदेश पालन नहीं किया, असली किसने आदेश पालन किया, छोटा बेटा ने आदेश पालन किया, ये सही धर्म। लेकिन शास्त्र के हिसाब से यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं गुरु धर्म नहीं, धर्मी नहीं है, कौन धर्मी है, ये जदो, इसलिए जदो स्वधर्म शिलस्य नितरा मुनि सत्ता, यहाँ पर उनको कह रहे केवल धर्म शिल नहीं वो सर्वश्रेष्ठ मुनि क्यों, बल ये जवान के द्वारा उन्होंने बोले हम भगवान की सेवा करेंगे, इसलिए भगवान इससे रीच गए, रीच करके भगवान बोले मैं आऊंगा तो तेरे कुल में ही मैं आऊंगा, इसलिए भगवान को जदुवंशी कृष्ण जदुवंश में भगवान आए, इसलिए कहते जदु स्व विष्णु विज्ञान संशय, इसलिए कृष्ण ये जदु कुल में कैसे अवतीर्ण हुए, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य, वो अंश को दर प्रकट हो पूर्ण रूप में नहीं, पूर्ण रूप में तो उन्होंने गोकुल में नंद के लाला बन करके पूर्ण रूप में उन्होंने गोकुल में उन्होंने जन्म ग्रहण किए, लेकिन जदुवंश उन्होंने अंश रूप में आए, कहते ये एक अर्थ है। उसका विश्वनाथ दूसरा अर्थ कहते हैं तो भगवान की जो कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत है, जगत में इसका कितना इसका हिम्मत नहीं, भगवान की संपूर्ण लीला कथा को कोई वर्णना कर जगत में इसकी हिम्मत नहीं, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर प्राय प्राय जाकर के बोले आन पक बनी बहन विभल जा, मेरे पक्ष में जितना संभव हुआ मैंने महापुरुष का लीला को वर्णना किया है, लेकिन बाद में बहुत सारे व्यास आएंगे, व्यास मतलब
भगवान की कथा का जो विस्तार करते हैं बहुत व्यास आएंगे, वो भी अलग 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 कथा को उनमें वर्णन करेंगे। इसलिए कृष्ण कथा को पूर्ण रूप में कोई वर्णना नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जय। हमारे बीच में श्री संजय महाराज जी और वो हरि बोल हरे कृष्ण हरि वन स्पीकिंग समथिंग हरि कथा भैया कितने लिखे कथा स्पीकिंग हिंदी हाँ ओके सर हाँ हरे कृष्णा। देखो कल है अन्नकूट महोत्सव, पहले कल हम लोग सबके सब चलेंगे कहाँ गिरिराज गोवर्धन हम सबके सब चलेंगे हाँ, क्योंकि दूसरे जगह पर गिरिराज गोवर्धन तो है ही नहीं, लेकिन हमारे सौभाग्य है जो कि हम श्री ब्रज में वास कर रहे हैं और गिरिराज गोवर्धन हमारी पास में ही है, गिरिराज गोवर्धन पास में, इसलिए स्वयं कृष्णा यदि गिरिराज पूजा कितने महत्व की आज के हुए। कारण है विश्व ब्रह्मांड तो कृष्ण को पूजा करता है, लेकिन कृष्ण ने पूजा की तो किसको पूजा की, इसलिए गिरिराज पूजा की। सारा दुनिया कृष्ण को परिक्रमा करते हैं, लेकिन कृष्ण किसको परिक्रमा लगाए, गिरिराज गोवर्धन को। अकेले नहीं, पूरा उन्होंने ये ब्रजवासियों को लेकर के कृष्ण ये गिरिराज में परिक्रमा लगाई, और सारा दुनिया भगवान को गोद में उठा कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण किसको उठाए, कृष्ण उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने 7 दिन तक, इसलिए भगवान का स्पर्श पा करके गिरिराज इतने उत्फुल्ल हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, कृष्ण मेरे को अपना कनिष्ठ अंगुल में धारण किया, और सारे ब्रजवासी सबका कृष्ण को सब चरण में सबके सब आश्रय लेते हैं, लेकिन कृष्ण किसके चरण में आश्रय लिया, गिरिराज गोवर्धन। 7 दिन तक जिनकी चरण को नीचे कृष्ण स्वयं आश्रय लिए, और जहाँ पर उन्होंने बड़े धूमधाम से 7 दिन तक उन्होंने खूब उन्होंने उत्सव गिरिराज किए, इसलिए कृष्ण स्वयं वरदान दिए। यदि अन्नकूट महोत्सव का दिन जो एक अन्न का दाना श्री गिरिराज की सेवा में अन्नकूट सेवा में लगा दिया, मैं वरदान देता हूँ किसी जीवन में उनकी घर में कभी अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि जो गिरिराज गोवर्धन है इनका एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं कृष्ण खुद उनको पीछे परिक्रमा लगाते हैं, भले इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहे। इसलिए आप लोग गिरिराज में गए, गुरुदेव कहते जो देखा गिरिराज शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ, बोले क्यों, बोले जिसको जितने मंजिल मकान चाहेंगे, जितने शिला के ऊपर जितना शिला रख दोगे ना ठाकुर जी उतना मंजिल मकान दे देते हैं। हैं, जिनका बेटा बेटी की शादी नौकरी नहीं होता है वहाँ पेड़ से पेड़ बांधने पर हैं गिरिराज के अभिषेक करने पर गिरिराज सब दे देते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते थे गिरिराज तो सब दे देते हैं लेकिन एक चीज मांगना गिरिराज संकोच आ जाते हैं, देना नहीं चाहते। बोले क्या, बोले उनकी चरण की सेवा ये भक्ति ये चीज को गिरिराज सहज में नहीं देते। बोले क्यों, कहने जब भक्ति दे देना ठाकुर जी उनका प्रेम में वशीभूत हो जाना पड़ता है। गुरुदेव कहते हैं अगर हृदय से उनको अगर भक्ति मांगो इनकी सेवा मांगो गिरिराज अपना भक्ति अपना सेवा भी गिरिराज गोवर्धन दे देते। इसलिए कल हम लोग जाएंगे गिरिराज अभिषेक करेंगे और परिक्रमा लगाएंगे और भोग लगाएंगे और फिर हम लोग यहाँ प्रसाद गा देते और यहाँ पर वापस आएंगे। अब मैं पूछता हूँ हम कितना बजे वहाँ पर जाए फिर आप लोगों में बता दूंगा। बोले से गिरिराज महाराज की जय। जोर से बोलो बोले से गिरिराज बाबा की जय। शिवकिरांबरिमशायम अशयामि।
सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में अपने अनंत कोटि सत्संग धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और मेरे गुरु महाराज पुरुषों श्री श्रीमान भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि सत्संग धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और मेरे शिक्षक गुरुदेव श्री श्रीमान भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज के श्री चरणों में मेरे अनंत कोटि सत्संग धन्यवाद प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और हमारे बीच में उपस्थित श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री महाराज जी मेरे सत्संग धन्यवाद प्रणाम और संजय प्रभु जी को मेरे धन्यवाद प्रणाम और सभी भक्त लोग को यथा योग्य मेरे धन्यवाद प्रणाम। तो तंत्र शास्त्र में सहस्त्र भक्ति के अंदर का उदय किया गया है और हमारे लिए श्री रूप गोस्वामी अपने शिवा के रास मित्र सिंधु में 64 भक्ति के अंदर का उदय किया है। फिर श्रीमद भागवतम में प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 अंग के का उदय किया है। तो इन दो श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने कहा श्रावणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि दो शब्द है, एक आत्मनिवेदन है और एक अर्पित है। इन दो शब्दों का अर्थ एक ही है, समर्पित करना या शरणागत होना। तो अर्पित शब्द का अर्थ है सबसे पहले अपने को अर्पित करना और फिर आत्मनिवेदन का अर्थ है पूर्ण शरणागत, फुल सरेंडर। तो जब हम अर्पित होकर के भक्ति के बाकी 8 अंगों का पालन करते तब इसका फलस्वरूप आत्मनिवेदन पूर्ण शरणागत। तो अर्पित होने पर हम वास्तव श्रवण कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। तो हमारे धाम परिक्रमा का सुअवसर ये है कि अपने आप हम समस्ते भक्ति के अंगन पालन कर पाते, अपने आप इनमें नियुक्त होएगा। तो धाम परिक्रमा हम हमारे सुअवसर है कि वर्ष में हम ब्रज मंडल में एकत्रित होके या नवद्वीप में एकत्रित होके धाम परिक्रमा करने की अवसर मिलते हैं। तो यह हमारे सौभाग्य है पर हमारे गुरु महाराज ने विचार किया इस पर, मैं इसका इससे आप लोग शेयर करूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में उल्लेख किया कीर्त यत्र परिश्रम केवलम अनिरभ्रम। इसका अर्थ है यही भ्रम है, यही मन का भ्रम है कि दाम में आकर परिक्रमा करते हुए इससे बाकी में अग्रसर होएगा, यही मन का भ्रम। और फिर श्री शुक्रदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज की महिमा कहते हुए कहा कि पदौ हरे शिष्ट परानुसर्पणे, अर्थात अम्बरीश महाराज ने आपके दोपहर आपके चरण भगवान की सेवा में नियुक्त किया अपने नीलाचारियों में जाते हुए। फिर हमारे गुरु वर्ग श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसका समाधान किया अपने कीर्तन में
गौर आमार ये सब स्थाने करड़ो भ्रमण भ्रमण रंगे ये सब स्थाने हरिबो आमी प्रणाई भक्त संगे सो परिक्रम का वास्तविक लक्ष्य है भक्ति में अग्रसर होना और भगवान की दिव्य स्थितियों में हमारे आसक्ति और प्रेम उत्पन्न हो और ऐसा शक्ति हमारे हृदय में आने की पद्धति है प्रणाई भक्तों प्रणाई भक्तों के शरणागत होकर उनके हृदय से यही आसक्ति यही प्रेम संचालित होते हैं तो एकमात्र उनके अनुगत्य में परिक्रमा करने से परिक्रमा का वास्तविक लाभ उठाया जाए उठाया जाए तो गुरु महाराज ने एक अपने गुरु महाराज की लीला सुनाई श्री बाकी दाई तो माधव गोस्वामी महाराज एक बार ब्रज मंडल परिक्रमा पे श्री माधव गोस्वामी महाराज अली केशव देव के सामने एक कीर्तन गाया श्री कृष्णा के विरह में और ये कीर्तन गाते हुए सभी लोग सभी उपस्थित लोग रोने रोने लगे अश्राय अश्रु प्रवाहित होने लगे उस परिक्रमा पार्टी में ज्यादातर लोग उत्तर भारत से थे ज्यादातर लोग ये बंगाली कीर्तन का अर्थ नहीं समझ पाए फिर भी सभी लोग रोने लगे और गुरु महाराज ने कहा कैसे गुरु महाराज कभी कीर्तन में नृत्य नहीं किया करते थे पर उनके गुरु महाराज के कीर्तन का ऐसा प्रभाव था कि गुरु महाराज के पे अपने आप चलने लगे और बिना बिना कोई इच्छा कोई इंटेंशन नृत्य करने लगे तो इस कीर्तन गाने के बाद एक माता जी जो पंजाब से थी उसने एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य से पूछा कि ये कीर्तन का अर्थ क्या है और ये महाराज इसका व्याख्या सुनाया फिर ये माता पूछा कि अभी इस कीर्तन का अर्थ सुने पर क्यों ऐसे आनंद नहीं आ रहा है जो आया जब गुरु महाराज ये कीर्तन गाए फिर गुरु महाराज ने पूछा माता जी यदि आप इस कीर्तन का अर्थ नहीं समझी तो आप क्यों रोएंगे तो ये माता जी ने कही कि पता नहीं ये सहज से रोने लगे तो प्रणाई वाक्ता के कृष्ण से विराह है जब प्रणाई वक्त शुरू वक्त कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर पाते तब उनके हृदय में ये विराह जलती है तो जब हम इष्टपद होकर उनके अनुगत्य में परिक्रमा करते हैं तब ये विराह अग्नि हमको भी स्पर्श करेगा पर जब हम कपट करके करेगा या साधारण बात लोग के संग में करेंगे तो ये प्रथम का वास्तविक फल नहीं मिलेगा गुरु महाराज ने एग्जाम्पल दिया एक माता जिसकी बच्चा मर गया तो ये माता रोएगी और उनके समस्त आसपास लोग
उन उसकी दुख का अनुभव भी करेंगे। पर यदि कोई महिला है जिसकी शादी नहीं हुई चलाएगी कि और मेरे बादशाह मर गया, मेरे बादशाह मर गया, और ऐसे दुख की अभिनय करेगी, तो उसके आसपास उसके संबंधित लोगों को इस प्रभाव नहीं होएगा, और दूसरे लोग को जो भी प्रभाव हो इसका इफेक्ट टेम्पररी होगा। तो एकमात्र जब हम लोग प्रणाही वाक्य और जिनके अनुगत जनों से परिक्रमा करेंगे हमारे असाखी होएगा श्री हरि की दीर्घकालियों में। तो गुरु महाराज ने मिशन किया कैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य लोग के अनुगत में वे परिक्रमा करने की सौभाग्य मिला। मैं स्वयं ऐसे सौभाग्य नहीं मिला कि श्रील गुरुदेव के साथ परिक्रमा किया, पर ऐसे होने पर भी ये हमारे सौभाग्य की बात है कि श्रील गुरुदेव के परंपरा उनके लाइन में हम लोग उनके अनुगत उनके अनुगत्य जन से उनके अनुगत्य जन के अनुगत्य में परिक्रमा करने की सौभाग्य मिला। तो यहाँ मैं अपनी वाणी से समाप्त करता हूँ। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। जब हमारे हरिवल्लभ प्रभु हरि कथा कह रहे थे तो एक बात स्मरण हो गई, हमारे द्विज प्रभु आए थे एक समय फरीदाबाद मठ में, नरोत्तम प्रभु को स्मरण हो गया पहली असर। वो हम छत पे सुबह सुबह खड़े थे, अभी हरी कथा भी सुनाएंगे, गंभीरता में भी आपका प्रवेश कराएंगे, किंतु ये तो आनंद का दिन है, सुन लो। तो वो कहते हैं कि गौड़िया मठ की रीति नीति उल्टी है, सामने एक नया घर बन रहा था, तो हमारे दिश प्रभु कहते हैं कि देखो कितनी परिश्रम करके व्यक्ति ने सारा जीवन घर बनाया, और गौड़िया मठ के लोग सुबह 4 बजे उठ के क्या बोलेंगे, संसार धावा नगरी लोग का, संसार में आग लगा दो, उल्टी रीति है। अंग्रेज हिंदी में कथा कह रहा है, जो हिंदी वाला है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है, क्या उल्टी रीति है। तो ये भी तो भगवान की महिमा है, कितना आनंद है इसके भीतर, जो भी हो देखिए कितना उत्साह है लोगों का आकर सीखने के लिए। हमारे गुरु भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया से पिछले साल आए कार्तिक परिक्रमा के समय, तो 15-17 दिन 18 दिन उनको केवल मिला, वो पूरा दिन परिक्रमा करने के पश्चात संध्या के समय या हमारी सविता दीदी आए उनके पास में आते थे, उन्होंने मुझको बताया गीता का कुछ श्लोक का कुछ अर्थ समझने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा इतना थका होने पर भी आपका इतना उत्साह है तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहते प्रभु जी हमको केवल पूरे वर्ष में 17-18 दिन मिलते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा ले, इतना उत्साह है। तो देखो वो दूसरे देश से आकर हमारी भाषा को सीख रहे हैं, हमारी संस्कृति को सीख रहे हैं, वास्तव में तो हम सारे ही दूसरे देश से आए हैं, ये तो एक बस उसकी बात है, किंतु इन्होंने जो विषय बोला है मैं नहीं जानता कितने लोग उसको ठीक रूप में समझ पाए होंगे, किंतु बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हमारे श्री भारती गोस्वामी महाराज जी की, मैं उसको भी 2-4 मिनट में बतला दूंगा। तो वंदना करते समय बीच में ये बात स्मरण हो गई, पहले वंदना ही पूरी कर दो। पांचा कल्प करो वैश्य कृपा सिंधु भय विचार पति तना पावने देव वैष्णव। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पर जगत गुरु नित्य लीला परमेश्वरम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परमेश्वरम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। सपार्थ सपरिकर श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय।
नित्यानंद प्रभु जी उपस्थित पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंड अर्पण, समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जथा। अभी आप लोगों ने हमारे हरि वल्लभ प्रभु जी के मुख से जिस विषय को सुना है, हिंदी भाषी नहीं होने पर भी उन्होंने जिस प्रकार से बड़े ही गुरुत्वपूर्ण विषय को बड़ी सहज सरल भाषा में प्रस्तुत किया, मैं उसको थोड़ा सा किंचित सा बदला दूं आपको, क्योंकि समय भी अधिक नहीं है। उन्होंने बहुत ही हृदय स्पर्शी बड़ी ही गुरुत्वपूर्ण उन्होंने बात कही है परिक्रमा के विषय में, विशेषकर धाम परिक्रमा के विषय में उन्होंने कहा है, जिसमें सबसे मुख्य बात जो आई, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम संसिद्धि गोविंद चरण। तीर्थ यात्रा श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं केवल परिश्रम है, तीर्थ यात्रा को उन्होंने परिश्रम बदला दिया। तो श्रीमद भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि क्या नरोत्तम दास ठाकुर जी वास्तव में तीर्थ यात्रा को परिश्रम बदला रहे, उन्होंने तो स्वयं समस्त ब्रजमंडल की परिक्रमा की है, गौड़मंडल की परिक्रमा की है, श्री जीव गोस्वामी जी के आनुगत्य में लीला स्थलियों का वो दर्शन करते थे, तो फिर कौन सी तीर्थ यात्रा को परिश्रम बदला रहे। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा है, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर, जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करे निज चित्त, साधु संग करो अता फल। मूल बात श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के कहने की है कि तीर्थ यात्रा का फल है साधु संग। यदि तीर्थ में जाएं, धाम में जाएं दर्शन करने और हरि कथा ही ना सुने जाकर के, तो जो लोग जिन्होंने धाम की महिमा का अनुभव किया है यदि उनका संगी ना करें तो कैसे पता चलेगा वास्तव में धाम किसको कहते हैं, धाम की परिक्रमा क्या है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे अन्नकूट के दिन लाख लाख लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, किंतु उनमें से एक व्यक्ति को भी ये पता है कि आप गिरिराज जी से जो तुच्छ वस्तु मांग रहे हो, संसार की वस्तु मांग रहे हो, इतनी नगण्य वस्तु, अरे गिरिराज जी तो सर्व अभिष्ट प्रदाता है, वो तो आपको साक्षात ब्रज भक्ति दे सकते हैं, वो आपको साक्षात श्रीमती राधिका का दास्य भाव दे सकते हैं, किंतु जगत के लोग जानते नहीं है। जानेंगे कैसे, साधु संग नहीं हुआ उनका। यदि साधु संग हुआ हो, ऐसे साधु के निकट में यदि वो गमन करें जिन्होंने वास्तव में गिरिराज जी की महिमा से जो वास्तविक रूप में परिचित हैं, जो गिरिराज जी के प्रति उसी भावना से शरणागत हैं, जब ऐसे साधु का संग करेंगे हमारे गुरु महाराज जी का, तो गुरु महाराज जी बतलाते थे, बड़ा सावधान करते थे, आज ही के दिन अर्थात अन्नकूट से एक दिन पहले गुरु महाराज जी कहते थे कल हम लोग परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी की, गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, गिरिराज जी से प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? श्री रूप गोस्वामी जी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो प्रार्थना कर रहे हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्व, गोवर्धनो में दिष्टाम भिष्टम, हे गिरिराज आप मुझको मेरा अभिष्ट प्रदान कर दीजिए, आप मुझको मेरी अभिष्ट वस्तु दे दीजिए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हम गौड़ीय वैष्णव की अभिष्ट वस्तु क्या है, क्या गौड़ीय वैष्णव की अभिष्ट वस्तु है, श्रीमती राधिका का पाल्य दासी भाव, इसके अतिरिक्त और गिरिराज जी से हम कोई भी प्रार्थना नहीं करेंगे। तो गुरु महाराज जी कहते थे पूरी परिक्रमा करो गिरिराज जी की, भोग लगाओ गिरिराज जी, किंतु गिरिराज जी से यदि कोई प्रार्थना करेंगे, एक ही प्रार्थना करेंगे, क्यों, ये गिरिराज जी के भी विभिन्न स्वरूपों का हम लोगों को परिचय प्राप्त होता है, बहुत सारे स्वरूपों का। थोड़ा स्थान दे दो, प्रणाम करें। महाराज जी आप कथा कर रहे हैं, मैं अभी दीपक दिखा रहा हूँ, समय और आज नहीं कर लिया। हरे कृष्णा। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं हम गौड़ीय वैष्णव की जो सर्वोत्तम अभिष्ट वस्तु है वो क्या है, श्रीमती राधिका का पाल्य दासी भाव। तो गुरु महाराज जी कहते थे ये गिरिराज जी के भी बड़े स्वरूपों का परिचय प्राप्त होता है, बहुत सारे स्वरूप है गिरिराज जी के, किंतु वो स्वरूप कैसे प्रकाशित होंगे, जैसी जैसी भक्त की भावना है, जैसा जैसा भक्त का अधिकार है, गिरिराज जी भी अपने वैसे ही वैसे स्वरूप को प्रकट करते। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए गिरिराज जी का क्या स्वरूप है, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने गिरिराज जी का स्तव करते हुए लिखा है, गांधर्व आया सुरत कलहो तांगता भाव अधुषय, ये गिरिराज जी क्या सेवा करते हैं, इनके विषय में कहा यो गोपिका विरोधी तो हरिदास वर्जे, हैं युधिष्ठर जी हरिदास हैं, उद्धव जी कौन है, हरिदास वर्जे, ऐसे ही तुम्हारे
हरिदास वर और गिरिराज जी कौन है? हरिदास वर्जे। और ये हरिदास वर्जे शब्द किसके मुख से निकला है? यो गोपिका विरोधितो, और गोपिका भी अर्थात श्रीमती राधिका, गुरु महाराज जी कहते हरिदास वर्जे है। क्यों हरिदास वर्जे है गिरिराज जी? तो गुरु महाराज जी कहते गिरिराज जी वैसी ही सेवा भी गिरिराज जी सब प्रकार की राधा कृष्ण की लीलाओं में करते हैं। स्थल जल तल शश्वे भुरुह छायाचा प्रतिपदम अनुकालम हंत संवर्धायन का त्रिजग तिनिजगोत्रम सार्थकम ख्यापयन में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। ये ब्रजवासियों के लिए क्या करते हैं? स्थल प्रदान करते हैं, जल प्रदान करते हैं, राधा कृष्ण के निकुंज की लीलाओं के लिए सब प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करते गिरिराज महाराज। इसलिए रूप गोस्वामी कह रहे गांधर्वाया सुरत कलहो दामता भावधूत है। ये गिरिराज जी क्या कर रहे हैं? राधा कृष्ण की जो निकुंज की जो लीलाएं हैं, सुरत कलहो दामता, जो राधा कृष्ण की निगुड़ निकुंज की जो लीलाएं हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये भावधूत है। सब प्रकार से सुंदर सुंदर गुफाएं गिरिराज महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। तो गिरिराज जी तो गुरु महाराज जी कह रहे इतनी उत्तम लीलाओं में सेवा कर रहे राधा कृष्ण की, किंतु जगत के लोग क्या करते हैं? जाकर गिरिराज जी से कुछ धन मांग लेंगे, कुछ अर्थ मांग लेंगे, कुछ हमारा घर बनवा दो, ऐसी सामान्य वस्तु। तो गुरु महाराज जी कहते हैं वो दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। क्यों? उनका वास्तव में कभी प्रणय भक्त का संग नहीं हुआ। प्रणय भक्त किसको कहते हैं? प्रणय भक्त का क्या अर्थ है? शास्त्र में बताया प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा सा भवती भागवत प्रधान उक्ता। जिन्होंने अपने प्रणय से, अपने प्रेम से कृष्ण को अपने हृदय में बांध दिया, अपनी प्रणय रूपी रज्जू से, प्रेम की रस्सी से कृष्ण को हृदय में बांध दिया। यशोदा मैया ने बांधा, कैसे बांध दिया कृष्ण को? कोई बांध सकता है कृष्ण को? किंतु बांध दिया। कैसे बांधा? प्रणय रसनायाम घृतांग्री पद्मा सा भवती भागवत प्रधान उक्ता। ऐसे प्रणय भक्तों के साथ में जब हम परिक्रमा करेंगे ना, तब हमको वास्तव में ज्ञात होगा। गुरु महाराज जी गिरिराज जी का अनुरूप प्रारंभ करने से पहले ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की भाषा में सब प्रार्थना करते थे है? और जैसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भाव है, जैसा श्री रूप गोस्वामी जी का भाव है, उसी भाव के अनुगत होकर के गुरु महाराज जी प्रार्थना करते थे। और हम लोगों को भी सिखलाते थे गिरिराज जी के निकट में जाकर यही प्रार्थना करना जो रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं, जो श्री रूप गोस्वामी जी कर रहे हैं। गोवर्धनों में दिष्टाम विष्टम, उनसे कोई भी जागतिक वस्तु मत मांगना। बड़ा ऐसे बड़े आवेग में, बड़े तीव्र शब्द से गुरु महाराज जी कहते थे, सावधान करते हुए, उनसे कोई भी कभी जागतिक वस्तु मत मांगना, एक ही वस्तु मांगना। मुझको याद है कार्तिक मास में 2007 परिक्रमा के समय बड़े आवेग में गुरु महाराज जी कई बार उन्होंने इस बात को दोहराया। क्यों? बहुत सारे नए लोग हैं, नहीं जानते, परिक्रमा करेंगे तो साधारण वस्तु मांग लेंगे, किंतु गुरु पाद पद्म का क्या वैशिष्ट है? जब गिरिराज जी के चरण में आई गए हो, ये सुयोग प्राप्त हो ही गया, तो गुरु महाराज जी कहते उनसे सर्वोत्तम वस्तु मांगो, उससे श्रेष्ठ जिससे कुछ हो ही नहीं सकता वो वस्तु गिरिराज जी के निकट मांगो। किंतु वो मिलेगी कैसे? उसको वो बताएगा कौन? कान में इस बात को कौन प्रवेश कराएगा? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी की बात को श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्पष्ट किया कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ये नहीं कह रहे कि तीर्थ में मत जाओ, धाम में मत जाओ, वो तो स्वयं परिक्रमा कर रहे हैं धाम की, किंतु नरोत्तम दास ठाकुर जी जो कह रहे हैं, उनके जो मन के भाव है, उसको श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बतलाया। गौ रामार जे सब स्थाने करी लो भ्रमण रंगे, से सब स्थान हरि गोवामी प्रणय भगत संगे। अरे महाप्रभु जी जिन जिन स्थानों पर गए ना, मैं भी जाऊंगा उन स्थानों पर, किंतु कैसे जाऊंगा? प्रणय भक्तों के साथ में। अपने आप से चले जाओ, गिरिराज जी क्या दिखलाई देंगे? शिला प्रभुपाद जी कहते थे कितने लोग जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, किंतु क्या दर्शन करते हैं? क्या दर्शन होता जगन्नाथ जी का? शिला प्रभुपाद जी कहते थे बहुत सारे लोग तो देखते हैं कोई लकड़ी की बड़ी सी मूर्ति है, जिनमें थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो सोचते हैं कोई भगवान का विग्रह है, किंतु जो वास्तव में साधु संग में दर्शन करते हैं उनको क्या दिखलाई देता है? जगन्नाथ मंदिर सुभद्रा जी का विग्रह। और जो श्रीमन महाप्रभु जी के निकट है, विशेषकर श्रीमन महाप्रभु जी जब दर्शन करते जगन्नाथ जी का, उनको क्या दर्शन होता है? जे काले देखे जगन्नाथ श्री राम सुभद्रा सा, तबे जाने आईलाम कुरुक्षेत्र, सफल होइलो जीवन देखिलु पद्मलोचन, जुड़ाइलु तनु मन नेत्र। विरह में बड़े व्याकुल होकर जैसे राधा जी और ब्रज गोपियां बड़े दीर्घ समय के पश्चात कुरुक्षेत्र में मिली ना कृष्ण से, तो कृष्ण का दर्शन करते ही क्या हुआ? अत्यंत हृदय सरस हो गया। बड़े दिनों के पश्चात में कृष्ण के दर्शन हमको प्राप्त हो रहे, ऐसे महाप्रभु भाव में भर करके दर्शन करते थे। और जिन लोगों ने दर्शन किया ना, जहां से महाप्रभु दर्शन करते थे, क्या अवस्था हो जाती है? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, गरुड़ेर सन्निधाने रही करे दर्शने, से आनंदेर की कहीं पे बोले, गरुड़ स्तंभेर तले आछे एक निम्न खाले, से खाल भरी दो अश्रु जले। इतना अश्रु प्रवाहित होता था महाराज जी, श्रीमन महाप्रभु जी जब दर्शन करते जगन्नाथ जी का, कि वहां पर एक बड़ा सा खड्डा होता था,
वो पूरा खड्डा प्रतिदिन जब भी महाप्रभु दर्शन करने जाएंगे, दिन में कई बार दर्शन करते इतने अश्रु धारा प्रवाहित होती है, वो खड्डा भर जाया करता उनके अश्रुओं से, ऐसी अवस्था हो जाती दर्शन करके। तो ये दर्शन किसको होगा? साधारण लोगों को होगा ऐसा दर्शन। तो हम जाएंगे साधारण दृष्टिकोण लेकर, गिरिराज जी क्या दिखाई देंगे? कोई पत्थर दिखलाई देंगे, उससे अधिक क्या दिखलाई देंगे? किंतु यदि प्रणयी भक्तों के साथ में जाएंगे, श्रेष्ठ वैष्णवों के साथ में जाएंगे, तब वो गिरिराज जी की महिमा हमको बतलाएंगे। ये गिरिराज जी हरिदास वर्ज है, ये क्या सेवा करते हैं गिरिराज जी, तब हमारी भी वैसी रतिमती हो जाएगी। इसलिए प्रणयी भक्त के साथ में धाम परिक्रमा धाम दर्शन करने का विधान है। इसी बात को हमारे हरिवल्लभ प्रभु जी बता रहे थे कि शिला भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के निजी जन, वो कभी मथुरा में आदि केशव के मंदिर में विहय में व्याकुल होकर के कीर्तन कर रहे थे, ओरे ब्रजवासी तुमरा बोले दाओ को था गेले कृष्ण पाओ, कि अरे ब्रजवासियों तुम मुझको बतला दो मैं कहां जाकर कृष्ण का मुझको दर्शन मिलेगा। तो सभी लोग क्रंदन कर रहे थे, सभी लोग, किंतु वो जो लोग थे उनमें प्राय हिंदी भाषी लोग थे, कीर्तन तो बंगला भाषा में किसी को भी समझ में नहीं आया है। तो उसके पश्चात में एक माता जी जो बहुत जोर जोर से क्रंदन कर रहे थे, उनसे पूछा कौन से महाराज जी, ऋषिकेश महाराज जी से। वो माता जी का नाम था जगदात्री माता, जगदात्री की माता मित्राणी, वो हिंदी भाषी है पंजाबी भाषी, और वो रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि प्रणय भक्त कीर्तन कर रहे हैं ना, उसी बात को उन्होंने बड़े सुंदर रूप में बताया। हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, किसी मैया की संतान की मृत्यु हो गई, तो अपनी संतान के विरह में जब वो व्याकुल होगी, जब वो क्रंदन करेगी, तो उसका जो दुख है, उसका जो कष्ट है, वो उसके साथ में जो लोग हैं उनको अनुभव होगा या नहीं होगा? होगा सबको अनुभव। किंतु यदि किसी का विवाह नहीं हुआ, किसी को संतान नहीं हुई, और वो झूठ मूठ का क्रंदन करने लगे संतान के वियोग में विरह में, तो हमको दुख होगा? दुख नहीं होगा। जिसको वास्तव में दुख हो रहा है, जिसको वास्तव में विरह हो रहा है, जब हम उसके निकट में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका दुख, उसका विरह हमारे हृदय को भी स्पर्श करेगा। तो इसलिए शिला महाराज जी उदाहरण से बतलाते थे, जो प्रणय भक्त है, जिनके हृदय में कृष्ण के लिए विरह है, जब उनके साथ में परिक्रमा करेंगे, कहीं ना कहीं वो भावना हृदय में स्पर्श करेंगे। शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे पूज्यपाद कृष्ण अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, सब समय मृदंग बजा बजा करके क्या करते थे, संस्कृत के सब अष्टकों का पाठ करते थे। तो वो किसी समय देहरादून में गए, देहरादून की घटना, और वो सब क्या कर रहे थे, सब मृदंग बजा बजा करके संस्कृत के अष्टकों का पाठ कर रहे थे, और वहां तो हिंदी भाषी लोग हैं, किसी को भी समझ में नहीं आता। तो किसी एक शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के आश्रित किसी भक्त ने कहा कि ये तो हिंदी भाषी लोग हैं, इनके नहीं माधव गोस्वामी महाराज जी के शिष्य तो उन्होंने कहा कि ये तो सब हिंदी भाषी लोग हैं, इनके निकट में तो संस्कृत का कीर्तन किसी को समझ में नहीं आएगा, तो हिंदी में कीर्तन करेंगे। जब हिंदी में कीर्तन आरंभ हुआ, लोग ही खड़े होकर बोलने लगे हमको आपका कीर्तन नहीं सुनना है। वो बाबा जी महाराज जो पहले कीर्तन कर रहे थे उनका कीर्तन सुनना है, उनका कीर्तन समझ में नहीं आने पर भी वो हृदय को स्पर्श करता है। ये प्रणय भक्तों के साथ में धाम परिक्रमा धाम दर्शन विग्रह दर्शन करने का ये विधान है। इसलिए इस प्रसंग को इन्होंने उठाया। कल गिरिराज जी की पूजा है, हम लोग बड़े उत्साह के साथ में सब प्रकार से अपने तन मन जो कुछ भी हम समर्पित कर सकते हैं। इसी नवदा भक्ति का विषय भी उन्होंने उठाया कि दो शब्द दो बार, ये अर्पित शब्द और आत्मनिवेदन दोनों का अर्थ तो एक ही है, किंतु प्रहलाद महाराज जी ने श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति विष्णु इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्यम रक्षणा क्रियते भगवत कदा तन मन ने अधिकतम उत्तमम। दो बार श्लोक में शब्द आया अर्पित और आत्मनिवेदन, उसी को उन्होंने उठाया। तो बड़ा सुंदर इन्होंने प्रसंग उठाया। कल गिरिराज जी की पूजा है, हम लोग भी गिरिराज जी के निकट में जाकर गुरु महाराज जी जिस प्रार्थना को हमको करने के लिए कहते थे अपना सर्वस्व समर्पित करके हम लोग भी गिरिराज जी के चरणों में वही प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? हमको क्या दे दो? श्रीमती राधिका का पाल्य दासी भाव। जब भी हम अनर्थग्रस्त जीव है, गुरु महाराज जी कहते थे हमारे कोटि कोटि अनर्थ है, रहे कोटि कोटि अनर्थ, कोई असुविधा नहीं है, किंतु लक्ष्य स्थिर हो जाए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी प्रार्थना नहीं करेंगे। गौर प्रेमानंद गिरिराज महाराज जय। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare।
Hare Krishna.